हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू फिल द फॉर्म और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक फनी कमेंट आया कल हमारे पास कि सर क्या इस बार एग्जाम नहीं होगा। मैंने पूछा क्यों नहीं होगा, उसने बोला कि सर कोविड ही वापस आ गया। मैंने नेट पर सर्च किया तो रियलमी न्यूज बिल्कुल सच्ची निकली मेरे सामने। 3 साल से हम लोग फेस कर रहे हैं, नेट एग्जाम हर साल एक बार हो रहा है जहां पर 2 बार हो रहा था, तो क्या नेट एग्जाम इस साल नहीं होगा? तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड एंड माय नेम इज जितेंद्र गोस्वामी और दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों फिलर फॉर्म पे आपको फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की फ्री ऑनलाइन क्लासेस देखने को मिल जाएगी जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना काफी आसान है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। दोस्तों लास्ट ईयर क्या पता होगा, लास्ट ईयर में मई में हमारा एग्जाम होने वाला था। खबर आती है कि कोविड होगा तो लॉकडाउन लग जाए और लॉकडाउन लगा और हमारा एग्जाम 1 नवंबर में। सेम वही साल आ चुका है, हम लोग वेट करके हमारा एग्जाम मई या जून में हो जाएगा। तो क्या फोर्थ लेयर वापस आएगी? दोस्तों यहां पर देखिए अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल की, अगर हम लोग बात करें तो यहां पर साफ ऐलान किया गया कि फोर्थ लेयर दोबारा आ सकती है, बी अलर्ट। और दोस्तों अगर फोर्थ लेयर आती है तो दोबारा हमारा एग्जाम पोस्टपोन होगा। बट एक चीज बोलना चाहूंगा, आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा अभी जो थर्ड लेयर आई थी इसका इतना इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिला, इतना कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने एग्जाम रद्द होगा बट एग्जाम भी रद्द नहीं हुआ, नॉर्मल आई नॉर्मल चली गई। तो सेम इस चीज बात फोर्थ पे होगा, कोविड कितना भी बड़ा क्योंकि सबके वैक्सीन लग चुकी है, बच्चा हो या बड़ा हो सबकी वैक्सीन लगी हुई है, तो इतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं सबसे विनती कहना चाहता हूं कि अभी न्यूज में चीज आना स्टार्ट हो चुकी है फोर्थ लेयर आएगी, तो अगर किसी के माइंड में यह आ रहा है कि एग्जाम नहीं होगा तो भी एक गलत फहमी है। एग्जाम इस बार होगा, क्या कोविड ही आया कुछ भी, क्योंकि दोस्तों इतना इफेक्ट नहीं देखने को मिला था हमें थर्ड लेयर में भी, ये अच्छी बात है, फोर्थ में और भी कम देखने को मिलेगा। तो आपको फोकस करना है, क्योंकि देखिए फोकस करने वाला फोकस करता है बट काफी लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। न्यूज वाले आपको पता है ये तो अलग ही दुनिया है इनकी, तो ये कुछ भी दिखाते हैं, तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। कोविड आया कुछ भी आपका एग्जाम होगा तो प्लीज स्टडी स्टार्ट कर दो, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 1 से 2 महीने का टाइम ही आपको मिलेगा। तो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर पे फोकस करना स्टार्ट करो, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।